रुकवाने का काम किया है। उसके बाद भी जब इन लोगों ने रुकवाने का काम किया, ये भी नहीं बल्कि वो मिट्टी भराई का भी लगभग 300 करोड़ का मिट्टी भराई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, यानी जो ज़मीन को जो भरने की जो कार्रवाई होती है वो भी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद हमको जब सूचना मिली तो हमने खुद मंडविया जी से बात की और मंडविया जी ने कहा, हमने बात की भाई इसमें राजनीति जो है बीच में नहीं आना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए है, दरभंगा के भलाई के लिए है, वहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा हो, जाने आने में दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा स्थल आप लोगों को हम लोगों ने दिलाने का काम किया और निःशुल्क। फिर भी मंडविया जी कहते हैं ठीक है हम इस बात को देखेंगे। पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं, वहाँ तो ये लोग रद्द कर रहे हैं एम्स को। और ये चिट्ठी जो है साफ तौर पे हमने 22/6/2023 को मंडविया जी को हमने ये पत्र लिखा था, जिसमें पूरी जानकारी जो है प्राप्त है। इस चीज़ को हम अभी अपने सार्वजनिक भी करेंगे, जो चिट्ठी हमने मंडविया जी को लिखने का काम किया। लेकिन इतनी बड़ी झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि खुलवा दिया है, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी आप सच्चाई से आपका कोई वास्ता नहीं है, आप केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बुला करके पूछे स्वास्थ्य मंत्री जी मंडविया जी से, भारत सरकार के, उनसे ये भी पूछे कि हम फोन किए थे कि नहीं किए थे, कि भाई जल्द से जल्द आपको हमने प्रस्तावित जो है प्रस्ताव दे दिया, सब कुछ कर दिया, हमारे बिहार राज्य सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट से सब कुछ पास कर दिया, ज़मीन दे दिया, उसकी मिट्टी भराई का काम भी शुरू करवा दिया, फिर भी जो है आप जो है नकार दी। और अब आज के भाषण में हम सुने तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि इस तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहा देश की। आखिर प्रधानमंत्री को ये इनपुट तो कोई बिहार के ही इनपुट दिया है नहीं दिया है भाई, प्रधानमंत्री बात तो ये तय है कि झूठ बोले, कोई भी कुछ बोल देगा वो मान लेंगे क्या? लेकिन उनको ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब वैसे अमित शाह भी झूठ बोले थे, पूर्णिया का हवाई अड्डा खुलवा दी, प्लेन आना जाना शुरू हो गया, और दूसरा झूठ ये बोल रहे हैं दरभंगा के बारे में, एम्स के बारे में। तो ये लोग केवल बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये लोग केवल झूठ और नफरत की राजनीति करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी जरूर बोले हैं कि एम्स हम खुलवा दिए वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन आरोप तो आप पे लग रहे थे, नीतीश कुमार पे लग रहे थे, कि आप लोग जान के नहीं चाह रहे हैं कि मिथिला का विकास हो, वहाँ पे एम्स खुले। आप देखिए ना, हमारा चिट्ठी है, सामने चिट्ठी है, ये सामने चिट्ठी है, कैबिनेट नोट है, 151 एकड़ निःशुल्क भारत सरकार को हम लोगों ने हस्तांतरण करने का काम किया। वहां से टीम आती है, सब कुछ हो जाता है, फिर बाद में पता चलता रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने इस प्रस्ताव को। और यही नहीं बल्कि हम लोगों का ये भी फैसला कि जो DMCH है उसको भी हम लोग, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है उसको राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है उसको फिर से हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। तेजस्वी जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मणिपुर को लेकर पार्लियामेंट में हुआ, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अपोजिशन नहीं चाहती थी कि बहस हो, इसलिए वो लोग बायकॉट किए और जो भी हो, क्या? नहीं, बेकार की बातें हैं। साफ साफ अपोजिशन की यही मांग थी कि भाई कमेटी बनाइए, सर्वदलीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलिए मणिपुर। प्रधानमंत्री जी आखिर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जी जा सकते हैं, विपक्ष की टीम जा सकती है, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए मणिपुर और हालात को सुधरना चाहिए, बल्कि और बिगड़ता जा रहा है वहाँ के हालात। तो क्या उन्होंने एक्शन लिया, क्या किया? वो तो वीडियो जो है वो वायरल हुआ, तो आप समझ रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री के ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, कई मामले दर्ज है ऐसे, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी वहाँ की। कल तक बीजेपी कह रही थी कि जो आप लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं कि भाई इसमें हमारा भी योगदान है, हम भी करवा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने ही, जब मोदी जी ने मना कर दिया कि जातीय जनगणना वो नहीं कराएंगे, तो उत्तर प्रदेश में तो स्वाभाविक है, ये बीजेपी के लोग ऐसी, यहाँ जो बिहार वाले हैं कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं, तो भारत सरकार भी, बीजेपी के लोग जो है मना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया, अब जो है यूपी सरकार ने मना कर दिया, किसकी सरकार है? तो ये बीजेपी के लोग तो चाहते ही नहीं थे कि जातीय आधारित गणना हो,
जो हम लोग सर्वे करा रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते थे। वो तो कोर्ट का निर्णय आया है तो हम उसका फैसले का स्वागत करते हैं और काम जो है अपना शुरू है। एक अंतिम सवाल, अगर आप लोग गाइडलाइंस INDIA जो इंडिया है जिसको प्रधानमंत्री घमंडिया भी बोलते हैं, क्या अगर ये 2024 में आती है तो क्या आप पूरे देश में इसके लिए कहेंगे जो भी वहाँ पे PM बनेंगे कि भैया जातीय जनगणना जो है पूरे देश में कराया जाए? नहीं, होना ही चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पिछली बैठक हमारी बैंगलोर में जो हुई, जो हम लोगों ने बाकायदा जो रिटर्न स्टेटमेंट हम लोगों ने जो सार्वजनिक किया उसमें, जो बैंगलोर में जो बैठक हुई इंडिया की, उसमें भी बताया हुआ जॉइंट स्टेटमेंट में भी बात रखा गया कि कास्ट सेंसस जो है होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल और है सर, कि जिस तरीके से सदन में हमने देखा कि आपके परिवार को बिहार का नाम लिया गया, कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। हमने बिहार को तो टारगेट किया ही जाएगा, तो बोला ही जाएगा, और हर तरीके से कोशिश ये लोग करेंगे। अपने जो इनके संवैधानिक जो एजेंसियां हैं उसका भी दुरुपयोग करेंगे, जांच एजेंसियां जो हैं उसका भी दुरुपयोग आने वाले दिनों में देखिएगा ये लोग करेंगे, बिहार में करेंगे, पक्का करेंगे, 110% करेंगे। तो वो आप ही के खिलाफ करेंगे? अरे भाई, किसी ऑपोजिशन के खिलाफ करेंगे, हमारे खिलाफ कोई नई बात है। हम तो कहते हैं दफ्तर खोल लीजिए ना भाई, करते रहिए, हमको कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन हर लोगों को तंग करेंगे जो खिलाफ कहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।